नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में सिल्वर मेडल जीत लिया है। वो टोक्यो ओलंपिक्स में जीते गए गोल्ड मेडल को डिफेंड नहीं कर सके, क्योंकि इस बार गोल्ड पाकिस्तान के अरशद नदीम के पास चला गया। नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन नदीम ने स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़कर पूरे विश्व को चौंका दिया। ये 2024 ओलंपिक्स में भारत का 5वां मेडल है। इससे पहले भारत 4 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। नीरज चोपड़ा का पहला प्रयास असफल रहा था, लेकिन उन्होंने दूसरे ही प्रयास में 79.45 मीटर दूर भाला फेंककर सीजन का बेस्ट थ्रो किया। इससे पहले 2024 सीजन में उनका बेस्ट थ्रो 79.34 मीटर था, जो उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के ही क्वालिफिकेशन राउंड के लिए हासिल किया था। नीरज को 6 प्रयास मिले, जिनमें से 5 खाली रहे। नीरज के चेहरे पर गोल्ड मेडल ना जीत पाने की निराशा साफ दिखी। फिर भी नीरज ने भारतीय एथलीट और युवाओं के लिए नए मानक तय कर दिए। नीरज अब आजाद भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले केवल 4थे एथलीट बन गए हैं। उनसे पहले सुशील कुमार, पीवी सिंधु और मनु भाकर 2-2 ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं। इससे पहले नीरज ने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के फाइनल में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सबको स्तंभ कर दिया। नीरज चोपड़ा की तरह उनका भी पहला प्रयास खाली रहा था, लेकिन दूसरे ही प्रयास में उन्होंने 92.97 मीटर दूर भाला फेंक कर ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया। उनसे पहले जेवलिन थ्रो का ओलंपिक रिकॉर्ड नॉर्वे के एड्रियास थॉर्ड किल्सन के नाम था, जिन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में 90.57 मीटर दूर भाला फेंका था। अरशद नदीम का आखिरी थ्रो भी 90 मीटर से ऊपर रहा, जो 91.79 मीटर दूर जाकर गिरा। 100 न्यूज़ की रिपोर्ट।